हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है इंडक्शन रिपेयर का, और ए वाले इंडक्शन में जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, ई एट का एरर आपका इंडक्शन में अगर आता है फ्रेंड, तो इस इंडक्शन को कैसे रिपेयर करेंगे इजीली, आज इस वीडियो में आपको फ्रेंड रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो ये जो हमारा इंडक्शन है इसमें ई एट का प्रॉब्लम आ रहा है जब भी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, और ऑन होने के बाद हमारा जो इंडक्शन चालू होने के लिए तैयार होता है, तो जब इसका कुछ फंक्शन नहीं मिलता तो यहाँ पे ई एट का एरर इस जगह पे इंडक्शन में मुझे मिल रहा है फ्रेंड। तो जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ई एट का प्रॉब्लम हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके साथ भी इंडक्शन में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन रियर केस में ही इंडक्शन में ऐसा प्रॉब्लम आता है, जल्दी से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड। तो ये प्रॉब्लम को आज इजीली मैं इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमारा जो वीडियो का बैकग्राउंड पूरा, हमारा जो घर ऐसा ही है, तो बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, हमारा जो कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड, हमारा जो है इंडक्शन में ये वाली जो कोयल है, ये कोयल हमारा जो है जल के ख़त्म हो चुका है, और जिसके कारण यहाँ से एक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा बोर्ड को, और उसी कारण से यहाँ पे ई एट का प्रॉब्लम हमारा दिख रहा है। तो यहाँ पे इजीली अपना बोर्ड को, जो इंडक्शन बोर्ड में है ये वाली जो कोयल है, इस कोयल को खोल के हटा देना है, और यहाँ पे न्यू कोयल को इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही साथ अपना बोर्ड में देखेंगे कि कुछ अदर पार्ट्स भी ख़राब हो सकता है, कोयल के साथ भी कभी काल हो जाता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में देख लेंगे कि कुछ और अदर पार्ट्स ख़राब नहीं है, तो उस चीज़ को भी चेक करेंगे। हमारा जो चैनल पे एक दो वीडियो और बना हुआ है, जिस वैसा अगर प्रॉब्लम होता है तो सारा चीज़ को भी कंप्यूटर को चेक कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे पीएफ लगे हुए दो ठे पीएफ भी कभी काल उड़ जाता है, और एक आरजीबीटी करके लगा हुआ है जिसका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो अगर वो चीज़ ख़राब हो सकता है कि वो सब चीज़ भी ख़राब हो, तो कोयल के साथ साथ वो भी लगाना पड़ता है फ्रेंड। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो 400 से 500 रुपया, 600-700 रुपये के आसपास आपका जो कॉस्टली खर्चा मिस्त्री ले सकता है अगर किसी से बनवाएंगे तो। नॉर्मली कोयल आपका लगा दे तो 450 रुपया 500 रुपया तक का आपका खर्चा आता है। कोयल का जो प्राइस है 350-300 रुपये के आसपास आपको मार्केट में ख़रीदने पर पड़ सकता है, अभी जो एवरेज मुझे प्राइस जो मिला है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो कोयल हमारा ख़राब है, इस कोयल को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और डायरेक्टली हमारा जो बोर्ड ये चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस कोयल का जो है, कोयल को खोलेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे। तो हमारा तो कोयल ऐसे ही खुला हुआ है, नट बोल्ट है, थोड़ा सा कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं। जहाँ पे कोयल का कनेक्शन होगा वहीं पे कोयल का कनेक्शन को कर देंगे, और करने के बाद जो आपका इजीली यहाँ पे आपका इंडक्शन जो है तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको सारा चीज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस बोर्ड में कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है, बहुत सारा मैंने बना के रखा हूँ, एक बार ज़रूर विजिट करें हमारे चैनल में और जाके देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके का इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और रिपेयरिंग से रिलेटेड भी। और हमारा एक सेकंड चैनल है प्रोजेक्ट का, सर्किट इफेक्ट प्रोजेक्ट, उस चैनल में जाके हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो को ज़रूर देखें, विजिट करें। और कुछ प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारा ब्रांड खुद का ब्रांड पे सेल मैंने डाला है, अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं, आपका कुछ काम का हो। और इस चैनल में कुछ कुछ चीज़ को जो है कि आपके लिए रिलेटेड हो, रिपेयरिंग या रिपेयरिंग फील्ड में आप पूछ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हमारा जो है, अभी वीडियो मैंने रिसेंट अपलोड किया था वेजिटेबल मीट का, तो वो सबको भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, हमारा खुद का ब्रांड और खुद का नाम से हमने पीसीबी और सारा चीज़ को बनाया हो। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो बोर्ड है, यहाँ पे इंडक्शन का कोयल जो है वो मैंने पुराना, मुझे मिल गया, रद्दी में रखा हुआ था, तो मैंने पुराना ही लगा के कस्टमर को दे रहा हूँ, ताकि कस्टमर का भी कुछ कॉस्ट बच जाए और मुझे भी प्रॉफिट अच्छी खासा मिल जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोयल को देख लीजिए कितना वाटेज के हिसाब से, उस हिसाब से कोयल को मैच करके लगाइए, और नहीं लगाते तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैच करके लगाइएगा तो आपका जो है एक्यूरेट सही हो जाएगा और अच्छी तरीके से काम करेगा, और कोयल जल्दी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड। अब आती है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कोयल को लगा दिया, अब मैं इसको पैकिंग करूँगा और आपको चेक करके दिखाऊँगा हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड, हमारा चैनल पे वीडियो देखने में आपको कैसा लगता है, कमेंट एक जरूर करें, फीडबैक मुझे ज़रूर दें, तभी जाके मैं आगे वीडियो को बना पाऊँगा, क्योंकि आप लोग मुझे फीडबैक नहीं दे रहे हैं, और वीडियो को एक साल से हमारा जो वीडियो बहुत ही डाउन चलते जा रहा है, तो मुझे भी निराश लग रहा है, ताकि मैं भी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, और कुछ दिनों से कुछ कुछ रिपेयरिंग सामान भी ज़्यादा नहीं आ रहा, तो मैं कुछ ज़्यादा डिफरेंट टाइप का नई दिक्कत तब तक मैंने वीडियो को नहीं बनाता हूँ, जब तक नया कुछ नहीं मिलता तब तक मैंने वीडियो को बनाता ही नहीं।
ताकि रियल चीज ही मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई फेक नहीं लगे। क्योंकि YouTube चैनल पर रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने फेक देखा है। आप उन चैनलों में जाके आप फंस जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे कि मैं बता दूं, चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं किस किस प्रॉब्लम आ जाके आप फंस जाते हैं। पहला तो आप DTH का पावर सप्लाई सिग्नल का प्रॉब्लम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बोल देंगे कि इस पावर सप्लाई को यहाँ से यहाँ रिपेयर कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, 100% तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ कारण बस आपका जो प्रॉब्लम अटके ही रह जाएगा। तो उस जगह में उस पावर सप्लाई का जो प्राइस है फ्रेंड, 100 से 150 रुपये के अंदर में आपको मार्केट में लगा के दे देगा। तो फिर उसके पीछे मेहनत करने का आपको क्या फ़ायदा? सीखना तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको YouTube चैनल पर बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिससे आपको पैसा बर्बाद है, आपको फ़ायदा कुछ नहीं है। तो आप इसमें 50 से 150 रुपये के अंदर में आपको लगा के मिल जा रहा मार्केट से, अपने लगाते हैं तो 70-80 रुपये के अंदर में पावर सप्लाई मिल जाता है। उसमें मेहनत करने से आपको क्या फ़ायदा? DTH का सिग्नल प्रॉब्लम है, ये हुआ, उसको चेंज कर दिया, डायरेक्टली सारा प्रॉब्लम सॉल्व, सारा प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। अगर पावर नहीं आ रहा तो चेंज करना ही पड़ेगा, सिग्नल में भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको चेंज करके देख लिया, आपका प्रॉब्लम सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है। मैं एक वीडियो बना दूंगा रिसेंट, तो आपका प्रॉब्लम सारा चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड। तो ऐसा वीडियो आपको YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो सारे वीडियो फेक होते हैं, उस वीडियो पर ज़्यादा ध्यान ना दें फ्रेंड। अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर हमारे वीडियो को देखें, और हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने रियली वीडियो डाल के रखा है, उस चीज़ को ट्राई करें। अगर नहीं होता डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, जहाँ तक होगा मैं समाधान देने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ हमारा इंडक्शन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं। हाँ, अगर इस तरह का कंडीशन हुआ तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा इंडक्शन का। शायद ही कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो वो सारा चीज़ पार्ट्स को लगा के एक बार चेक करेंगे। इंडक्शन के बोर्ड में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो ऐसा होता है कभी काल, लेकिन जल्दी से ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। लेकिन सिंपली आप ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये चीज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं ऑन करके आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 1400 वाट पे मैंने इसको रन कर रहा हूँ। और देखिए हमारा जो इंडक्शन चालू हो चुका है, और यहाँ पे देखिए गर्म होना स्टार्ट हो गया, और कुछ ही देर में जो हमारा इंडक्शन ये पूरी तरीके से पानी को पिघला दिया है, मतलब पानी को गर्म कर दिया फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।